नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल तो सबके जहन में है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे तो आपको अलग अलग दावे ठोकती हुई रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, जिसमें कोई कहेगा कि भूपेंद्र यादव को इस बार बनाया जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई स्मृति ईरानी के अध्यक्ष बनने का दावा कर रहा है, कोई अनुराग ठाकुर का दावा कर रहा है, कोई शिवराज सिंह चौहान का दावा कर रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा नाम बताने जा रहे हैं जिस पर सबकी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। सबकी किस किस की? आरएसएस की, योगी आदित्यनाथ की, नितिन गडकरी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, राजनाथ सिंह की। और माना यह जा रहा है कि ये वो नाम है जो बहुत अच्छे से बीजेपी को चला सकता है, क्योंकि अब से कुछ वक्त पहले तक ये खबरें थी कि मोदी और शाह को कोई ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो जेपी नड्डा की तरह काम करे। समझ ही आप रहे होंगे कि किस दिशा में लोग इस तरीके की टिप्पणी कर रही है, यानी हां में हां मिलाए। अच्छा, इसके अलावा आरएसएस इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय है कि कहीं कोई नड्डा जैसा अध्यक्ष ना बन जाए जो चुनावों में ये कह दे कि हम आरएसएस के बिना चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो निश्चित तौर पर आरएसएस वर्सेस बीजेपी काफी वक्त से देखा जा रहा था, लेकिन इन सबके बीच आरएसएस ने एक बात क्लियर कर दी थी कि जो भी अध्यक्ष बनेगा हमारी पसंद का बनेगा। अब ऐसे में जो नाम सामने आया है उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये वो शख्स है जो संगठन से भी जुड़ा हुआ है, ये वो शख्स है जो पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, ये वो शख्स है जब अमित शाह की चाणक्य नीति काम नहीं आती तो ग्राउंड जीरो पर जाकर बहुत मेहनत करता है। बात कर रही है देवेंद्र फडणवीस की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर इस वक्त वो काम कर रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और हो सकता है जिस तरीके से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले ही जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, वो तो ऑटो एक्सटेंशन उनका चल रहा है। नहीं तो अभी फिलहाल उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस को इस पद पर तैनात किया जा सकता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि देवेंद्र फडणवीस हो या गडकरी हो, नागपुर से इनका कनेक्शन है, नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, ये दोनों नेता संघ के करीबी माने जाते हैं। और अगर बात करें देवेंद्र फडणवीस की तो उनके लिए तो ये तक कहा जाता है कि परिस्थिति कुछ भी हो जाए संघ के विरुद्ध जाकर वो कोई काम नहीं करेंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे। दूसरी तरफ संघ ये बात चाहता है कि कोई ऐसा ही बंदा तैनात हो इस पोस्ट पर ताकि एक तरफा किसी का राज ना चले बीजेपी में, और शायद यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। अब आ जाइए कि मोदी और शाह का इसमें स्टैंड क्या होगा। मोदी और शाह को लेकर यह कहा जा रहा है क्योंकि इस बार बीजेपी चाहती है कि किसी ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया जाए, और शायद इसीलिए देवेंद्र फडणवीस के लिए मोदी और शाह की भी सहमति है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है। और इस वक्त ठाकुरों की अगर बात करें तो वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में है। पीडीए जिस तरीके से फॉर्मूला लेकर आए अखिलेश यादव, हो सकता है इस बार ब्राह्मणों को साधने का कुछ उपाय निकाल ले। तो ऐसे में बीजेपी एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि हमारे तो अध्यक्ष ही ब्राह्मण है और वो वोट बैंक साधने की फिराक में है बीजेपी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रमुख तौर पर आगे चल रहा है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या देवेंद्र फडणवीस को ये कमान सौंप देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर